और साहिबगंज में लोबिन हेम्ब्रम की सभा में जमकर हंगामा हुआ। जेएमएम के कार्यकर्ता और लोबिन समर्थक आपस में ही उलझ गए, जिसके बाद प्रशासन ने लोबिन की सभा पर रोक लगा दी। लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सांसद विजय हांसा पर उनके कार्यकर्ताओं को रोकने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। साहिबगंज में लोबिन हेम्ब्रम की सभा में हंगामा, लोबिन समर्थक और जेएमएम कार्यकर्ता उलझे। लोबिन हेम्ब्रम के अन्याय मार्च का विरोध, लोबिन हेम्ब्रम से पार्टी से इस्तीफे की मांग। साहिबगंज में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सभा में जमकर हंगामा हुआ। जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने लोबिन हेम्ब्रम के अन्याय मार्च का विरोध किया, साथ ही लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ नारेबाजी भी की। यही नहीं, प्रशासन ने उनके कार्यक्रम पर रोक लगा दी है, कार्यक्रम स्थल पर धारा 144 लागू कर दिया है। ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम को अपनी सभा स्थगित करनी पड़ी। लेकिन हम जब हमारे लोग आ रहे थे, वहाँ बीच रास्ते में जेएमएम के कार्यकर्ता ने और वहाँ सांसद विजय हांसा भी बैठा हुआ था, हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया, गाड़ी रोक दिया गया, बैनर पर लाठी डंडा बरसाया गया और जितना बैनर पोस्टर था सबको फाड़ फोड़ के बहुत आदमी तो लौट गया। फिर हमने थाना प्रभारी को फोन किया और बोला कि ठीक है सर, हम तुरंत जाते हैं। जाने के बाद उसके देखते उसके सामने बैनर पोस्टर फड़ा गया पूरा, तबे आदमी आए बैठे भी नहीं है। और एसडीओ को साहिबगंज का फोन आया कि आप जल्दी खत्म करिए। हम बोले एसडीओ साहब अभी जल्दी खत्म कैसे करेंगे, अभी तो हम लोग आए हैं बैठ ही रहे हैं, हम माइक थमे हुए हैं, जैसे लोग आएंगे हम जल्दी खत्म करेंगे। नहीं नहीं, ऊपर से दबाव है, जल्दी खत्म करिए। ये लोग जब हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं पूरा गाड़ी के साथ, जो लोग आए भी कि वो लोग वहाँ आपस में भिड़ंत होगा तो भिड़ंत होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह से मुर्दाबाद इन्होंने आज यहाँ पिया करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सांसद विजय हांसदा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सांसद समर्थकों पर उनके कार्यकर्ताओं को रोकने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर बरहेट के जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंचे और लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ नारेबाजी की। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने लोबिन हेम्ब्रम से पार्टी से इस्तीफा देने की मांग की। आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा में मन नहीं लगता है, बीजेपी के इशारा में बीजेपी के पैसा से अपना चुनाव अच्छा आपको लगता है तो आप चले जाइए, हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झंडा है अपना गाड़ी में वो आप खोल दीजिए, और नहीं तो पहले प्राथमिक सभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप इस्तीफा दीजिए। इधर प्रशासन ने विधि व्यवस्था को लेकर सभा पर रोक लगाने की बात कही है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको यहाँ 144 कर दी जाती, यहाँ किसी तरह का असर नहीं। लोबिन हेम्ब्रम ने दावा किया है कि अगर अब की बार जेएमएम ने फिर विजय हांसदा को टिकट दिया तो उनकी हार तय है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि टिकट मिलने पर वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। न्यूज 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ सीधे साहिबगंज से संवाददाता सुधाकर जुड़ रहे हैं। एक बार सुधाकर का रुख कर लेते हैं। सुधाकर देखिए, आज साहिबगंज में लोबिन हेम्ब्रम की ये सभा होती है और इस सभा में जमकर हंगामा होता है और ये हंगामा एक तरफ जेएमएम के कार्यकर्ता होते हैं और एक तरफ जेएमएम के ही पार्टी के सदस्य हैं लोबिन हेम्ब्रम और उनके समर्थक होते हैं। ये जो मांग इन्होंने उठाई है कि जनता के बीच जाएंगे और जनता की जो मुखर मांगे हों उसको लेकर ये अपनी आवाज उठाएंगे और ऐसे में इन्होंने अन्याय यात्रा की शुरुआत की, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और आज उनकी सभा पर रोक लगा दी गई। जी देखिए बिल्कुल सुष्मिता, आज शहीद सिद्धू कानू हेम्ब्रम के जो स्थल है जहां वहां का जन्म स्थल है, उसकी जो पैतृक आवास है, उसी की धरती से आज लोबिन हेम्ब्रम ने अन्याय यात्रा की शुरुआत की है की थी और ये अन्याय यात्रा पूरे झारखंड में लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में ये भ्रमण करती है। लेकिन जैसे ही लोबिन हेम्ब्रम की अन्याय यात्रा भोगनाडी पहुंची और वहां पर उन्होंने संबोधन शुरू ही किया था कि बरहेट प्रखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बरहेट प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सारे लोग वहां पर आके स्थल पर उनका विरोध प्रदर्शन करने लगे लोबिन हेम्ब्रम का। और उसके बाद एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम के विरोध में नारे लगने लगे लोबिन हेम्ब्रम मुर्दाबाद और दूसरी तरफ उधर से नारे लगने लगे कि लोबिन हेम्ब्रम जिंदाबाद। और उसके बाद आनंद फानंद ने वहां पर जो विधि व्यवस्था जो खराब होने वाली थी
उसको लेकर वहां पर प्रशासन वहां मुस्तैद दिखे और प्रशासन वहां पूरी तरह घेराबंदी करके लोबिन हमरम को यह स्पष्ट आदेश दे दिया गया कि आप ये सभा को बंद बंद कीजिए, नहीं तो यहाँ पर हंगामा होने की संभावना है। और लोबिन हमरम जैसे ही वहां पर ये बातें आई, लोबिन हमरम ने आधी सभा को संबोधित किया, उसके बाद वो सभा को बंद करके वहां से सारे लोग प्रस्थान कर गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लोबिन हमरम को अन्याय यात्रा करना क्यों पड़ा। लोबिन हमरम से जब हमारी बात हुई तो लोबिन हमरम ने सीधे तौर पर कहा कि हम अन्याय यात्रा अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं, उसके समर्थन में कर रहे हैं, क्योंकि राजमहल लोकसभा का जो सीट है वो विजय हांसदा जीत रहे, विजय हांसदा इस पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और दो टर्म से विजय हांसदा यहाँ पे चुनाव जीतते आ रहे। लेकिन अगर जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर उसको पुनः टिकट अगर देती है तो यहाँ पर वो लोग ये विजय हांसदा यहाँ पर हार रहे हैं। इसी को लेकर हमने अन्याय यात्रा, हमने कई बड़े पार्टी से भी इसके बारे में चर्चा की है, आगे उन्होंने कहा कि मैंने माननीय गुरुजी से इसके बारे में कहा है, स्टीफन मरांडी से कहा है कि अगर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजमहल में बचाना है तो इसका इसको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर गलत कहना है, अगर बगावत है तो हम बगावती है, यही यही बात उन्होंने कही कि हम पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। अगर हिम्मत है, एक तरफ जो प्रखंड अध्यक्ष थे बरहेट के, उन्होंने कहा कि लोबिन हमरम अपने गाड़ी से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा उतार दे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप इस्तीफा दे, तो लोबिन हमरम ने इस पर कहा कि अगर हिम्मत है तो हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पार्टी से निकाल कर दिखाए। जी सुष्मिता, बिल्कुल सुभान मिलाकर कहा जा सकता है कि साहेबगंज में ये जो हंगामा देखने को मिला, आपस में ही जेएमएम के कार्यकर्ता उलझे हैं और अब ये देखने वाले बात होगी कि राजमहल सीट को लेकर जो ये हंगामा एक तरफ लोबिन हेमरम करते हुए नजर आए और दूसरी तरफ जेएमएम के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए हैं, इसका क्या कुछ पार्टी पर असर पड़ता है और चुनाव में क्या कुछ असर पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।